हाई वैल्यू मैन टॉप 1% मैन में आते हैं, जो हमारी आजकल की सोसाइटी में बहुत ही कम और बहुत ही रेयर होते हैं, जिनके इसी अलग बिहेवियर और नेचर की वजह से फीमेल्स इनसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन फिर भी इस तरह के हाई वैल्यू मैन फीमेल्स को इग्नोर करना पसंद करते हैं। यानी सिंपली समझा जाए तो एक हाई वैल्यू मैन बाकी के सभी नॉर्मल मैन से इस तरह से अलग होते हैं, क्योंकि एक हाई वैल्यू मैन की लाइफ में उसके द्वारा खुद के लिए बनाए हुए कुछ रूल्स और हाई वैल्यूज होते हैं, जिन्हें वो कभी भी किसी के लिए भी और किसी भी कीमत पर ब्रेक नहीं करता। और हाई वैल्यू मैन के इन रूल्स और वैल्यूज की लिस्ट में फीमेल का अटेंशन पाना, उसे इम्प्रेस करना या उसे चेस करना दूर दूर तक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एक नॉर्मल मेल को अपनी लाइफ बिना किसी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के बेकार या अधूरी सी लगती है। मगर आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से फीमेल का अट्रैक्टेड होने के बावजूद भी हाई वैल्यू मैन फीमेल्स को इग्नोर करते हैं? तो इसका पहला रीजन है, दे आर बिजी विद देयर पर्पस। ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो हमेशा किसी न किसी लड़की के साथ होते हैं। अगर उनका एक से ब्रेकअप हो जाए तो फौरन किसी नए रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग अकेले रहने से डरते हैं। वहीं एक हाई वैल्यू मैन सिंगल रहने से नहीं डरता, क्योंकि बाकी लड़कों की तरह लड़कियों को पाना उनका गोल नहीं होता, बल्कि लड़कियां उनके लिए डिस्ट्रैक्शन होती हैं, जो उन्हें उनके गोल से दूर ले जा सकती हैं। इसीलिए वो चाहे तो लड़कियों के बिना भी खुश रह सकते हैं, और अगर उनकी लाइफ में कोई लड़की हो भी तो भी वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने गोल्स और अपने लाइफ पर्पस को देते हैं। लेकिन अब लड़की को इग्नोर करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा दिन पॉर्न देखो, मैस्टर्बेशन करो, वीडियो गेम्स खेलते रहो, अपने लाइफ पर्पस या गोल्स के लिए कुछ एक्शंस ना लो, और खुद के मन में ये सोचो कि मैं एक हाई वैल्यू मैन हूँ क्योंकि मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता। बल्कि एक हाई वैल्यू मैन किसी लड़की की कमी पूरी करने के लिए इन माइंड गेम्स का सहारा नहीं लेता, बल्कि असल में उनकी अपनी एक लाइफ होती है, बल्कि वो अपने लाइफ पर्पस और गोल्स को पूरा करने में दिन रात बिजी होते हैं। इसीलिए उनके पास फीमेल्स को चेस करने का टाइम नहीं होता और वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती है। इसीलिए उनके पास लड़कियों और टाइम पास रिलेशनशिप्स के लिए भी टाइम ही नहीं होता। और जब ऐसे मेल का ध्यान फीमेल्स में उतना ज्यादा नहीं होता, और जब लड़कियों को ऐसा मेल बाकियों से अलग दिखता है, तो लड़कियां उस लड़के के इस हाई कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ऑथर मार्क मैनसन असली कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस तरीके से एक्ट करने के बजाय आप अपने बारे में क्या सोचते हो उस हिसाब से एक्ट करते हो, तो ये आपका असली कॉन्फिडेंस दिखाता है। True confidence is being less invested in other people's perceptions of you than in your perception of yourself. यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में रिसर्चर्स की एक टीम ने हार्ड टू गेट एक्सपेरिमेंट करा था, जहां उन्हें पता चला कि जो लोग लेस अप्रोचेबल होते हैं, यानी जिन्हें पाना मुश्किल होता है, वो ऑपोजिट जेंडर को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। रिसर्चर गर्रेट बर्नबॉम कहते हैं, जिन लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है, वो ज्यादा डेस्परेट दिख के आते हैं। पीपल हु आर टू इजी टू अट्रैक्ट मे बी परसीव्ड एज मोर डेस्परेट। कई सारे लोग इस सिंपल ट्रिक को इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए लड़कियां हमेशा ऐसे हाई वैल्यू मैन को चेस करती हैं जो उन्हें इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी वुमेन को ही पिक करते हैं। जब कोई मेल इतना ज्यादा एम्बिशियस होता है, उसके लाइफ में एक बड़ा पर्पस होता है, जिसके साथ कोई भी फीमेल अपना सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर देखना पसंद करेगी, लेकिन फिर भी वो मेल उन लड़कियों को चेस नहीं करता, बल्कि अपने लाइफ पर्पस को चेस करता है, तो उसके इसी पर्पस और सक्सेस का हिस्सा बनने के लिए वो लड़की उस लड़के को चेस करना पसंद करती है। और इसके अलावा एक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन है, जो की है फ्री अटेंशन। देखो, हम लोग कितना भी ये कह लें कि लुक्स नहीं नेचर मैटर करता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम जब भी कोई किसी पर्सन से मिलता है, तो वो सबसे पहले सामने वाले पर्सन के लुक्स से ही उसको जज करता है, और लुक्स और फिजिकल अपीयरेंस से ही उससे अट्रैक्ट होता है। और लड़कियों के केस में तो लड़के सबसे पहले लड़कियों के लुक्स से ही अट्रैक्ट होते हैं, और एक लड़की की वैल्यू उसकी ब्यूटी से ही की जाती है कि वो कितनी खूबसूरत है। वो जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी मेल्स के बीच, हर लड़का उसे पाना चाहेगा। पर लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता। एक लड़के की वैल्यू उसकी अटेंशन से होती है। वो अपना टाइम, एनर्जी और फोकस किस चीज पे खर्च करता है, उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू करी जाती है। जिस लड़के के पास एक लड़की को देने के लिए जितनी कम अटेंशन होगी, उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। नहीं नहीं रिवायर्स, ये गलत है यार, अटेंशन वगैरह कुछ नहीं होता, बात सारी लुक्स और पैसों की है। पैसा होगा तो लड़कियां पीछे भाग के खुद ब खुद आएंगी। खैर दोस्तों, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं। असल में ऐसे कई लड़के होते हैं जिनके पास पैसा होने के बावजूद भी लड़कियां उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं, और वहीं कई ऐसे लड़के भी होते हैं जो लुक्स में अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी गर्लफ्रेंड उनके प्यार में अंधी होती है। असल में सच्चाई ये है कि अधिकतर मेल्स और फीमेल्स दोनों ही अटेंशन के भूखे होते हैं, पर हमेशा से ये देखा गया है कि एक लड़की के पास अटेंशन की अनलिमिटेड सप्लाई रहती है, उसके पीछे ऑलरेडी लड़कों की लाइन लगी होती है, जो उससे अपना टाइम, एनर्जी और मनी देने के लिए तैयार बैठे होते हैं, जिसका वो बहुत अच्छे से यूज करना भी जानती हैं। वहीं एक लड़का चाहे कितना भी अच्छा दिखता हो, बहुत प्यार करने वाला हो, ख्याल रखने वाला हो, बहुत अमीर भी हो, पर अगर वो अटेंशन का भूखा दिखेगा, तो कोई लड़की उसे घास तक नहीं डालेगी,
जहाँ एक लड़के को कोई अटेंशन नहीं मिल रही, इसीलिए वो हर उस लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है जो उससे थोड़ी सी भी बात कर लेती है। वहीं एक लड़की के पास अटेंशन की कोई कमी तो है ही नहीं, इसीलिए वो उस लड़के से अट्रैक्ट होंगे जो बाकियों से अलग होगा और जो जितना आसानी से उसे अटेंशन नहीं देगा। क्योंकि मेल हो या फीमेल, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी तो दोनों की सेम रहती है और इंसान को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है या जिसे पाना मुश्किल है। एक सिंप की तरह बिहेव करने वाले लड़के को लड़कियां कभी सीरियसली नहीं लेती। और सच तो यह है कि दुनिया के 90% मैन सिंप हैं, जो उस लड़की को पाने के लिए कुछ भी करने को रेडी बैठे हैं। वो उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, उनके जरा से काम के लिए अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम तक छोड़ के आ जाते हैं। अब कोई उन्हें इतनी फ्री की अटेंशन देगा तो वो क्यों ही मना करेंगी। इसीलिए वो ऐसे लड़कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, पर उन्हें कभी एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह नहीं देखती। वो उन्हें इग्नोर करती हैं, उनके मैसेजेस रिप्लाई नहीं करती और अगर वो ज्यादा डेस्परेट दिखते हैं तो फौरन ब्लॉक भी कर देती हैं और भूल जाती हैं। वहीं एक हाई वैल्यू मैन इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो अपना अटेंशन किसी को भी फ्री में नहीं देता। उसे अगर कोई लड़की पसंद आती है तो वो अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस जरूर कर देता है, जिससे एक कनेक्शन की शुरुआत हो जाती है। पर इसके बाद वो फ्री में अटेंशन देना बंद कर देता है और उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसके लिए कुछ खास नहीं, जिससे लड़कियां बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्यों ये लड़का बाकी लड़कों की तरह उससे ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहा। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी कि ये बाकी लड़कों की तरह उससे ट्रीट नहीं कर रहा, जिस वजह से उस लड़की का पूरा ध्यान उन हजारों लड़कों की भीड़ से हटके उस लड़के के पीछे ही लगा रहेगा जो उसे चेस करने के लाइन में बिल्कुल बाहर खड़ा है, जिस वजह से वो ये सोचेगी कि ये लड़का बाकियों से बिल्कुल अलग है और मुझे यही चाहिए। क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीज की वैल्यू नहीं होती और जो आसानी से ना मिले वही हमें स्पेशल लगता है। नाउ थर्ड रीजन है बैड बिहेवियर। दोस्तों हम सभी बात करते हैं कि एक लड़की एक लड़के से क्या चाहती है, पर कोई ये नहीं पूछता कि एक लड़का क्या चाहता है। एक लड़के को सोसाइटी में ऑलरेडी अपनी रेस्पेक्ट के लिए फाइट करनी पड़ती है, हर टाइम अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, न जाने कितने जगह से रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। और एक लड़की में वो कंफर्ट ढूंढता है जहां उसकी रिस्पेक्ट करी जाए, उसे कदम कदम पे अपनी वर्थ को प्रूव ना करना पड़े और जो उसे एक्सेप्ट करे। पर लड़कियां लड़कों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ज्यादा डोमिनेंट नेचर शो करती हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करती हैं, उन्हें दूसरों से कंपेयर करके नीचा दिखाती हैं और बिना किसी बड़ी बात के भी छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगती हैं। एक हाई वैल्यू मैन इस बैड बिहेवियर को कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो इन सिली आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स में नहीं पड़ते। जब भी कोई लड़की उनसे बिना कोई बात पे लड़ रही होती है और उनसे लड़ने के बहाने ढूंढ रही होती है डोमिनेंस दिखाने के लिए, तो हाई वैल्यू मेल ऐसी लड़ाई या आर्ग्यूमेंट का हिस्सा ही नहीं बनते, जिससे उस लड़की की बेफिजूल बात की उसी के नजरों में कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और हाई वैल्यू मैन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को ये लगे कि वो एक रियल मैन है, वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो एक हाई वैल्यू मैन है, कोई पंचिंग बैग नहीं। जब भी एक हाई वैल्यू मैन खुद को ऐसी सिचुएशन में पाता है तो वो अपना सारा अफेक्शन, लव और केयर उस लड़की से वापस ले लेता है, ताकि वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करे और आगे से ऐसा बिहेव ना करे। अब दोस्तों अगर आप एक मेल हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, गलती से भी मिस मत करना, वरना ये राइट वाली वीडियो देखो। तो ये वीडियो यही खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।